अनुग्रहवाणी सुनने वाले मेरे सभी भाई बहनों को जय यीशु की। आज हम लोग विशेष रीति से माता मरियम के बारे में थोड़ी देर मनन चिंतन करें। इस दुनिया में हर एक व्यक्ति अपने लिए एक आदर्श, एक मॉडल चाहता है। हम क्रिस्तीय लोगों के लिए कि एक अच्छा मॉडल है, आदर्श है माता मरियम, क्योंकि यदि हम लोग कहें यीशु हमारा आदर्श मॉडल, कुछ लोग कहते हैं वो तो ईश्वर थे। पर माता मरियम आप जैसे और मेरे जैसे एक मनुष्य थी, फिर भी वो प्रभु के प्रति ईमानदार थी, वफादार थी। इसलिए हम क्रिस्तियों के लिए सबसे उत्तम मॉडल, आदर्श है माता मरियम। और आजकल हम लोग अनेक जगह पर सुनते हैं कि माता मरियम के बारे में बहुत सारे लोगों के अंदर गलत फहमियां हैं। हम लोग लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 में पढ़ते हैं कि स्वर्गदूत माता मरियम के पास आता है और माता मरियम का अभिवादन करता है। हम लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 28 में पढ़ते हैं, स्वर्गदूत ने उसके या अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। कितनी बड़ी बात, एक स्वर्गदूत आकर माता मरियम को प्रणाम करता है और कहता है ईश्वर आपके साथ है। कि हम जानते हैं कि ईश्वर ने स्वर्गदूत को मनुष्य से कुछ बड़ा बनाया और इंसान को स्वर्गदूत से थोड़ा छोटा बनाया। हम समाज में अक्सर देखते हैं कि छोटे लोग बड़े को प्रणाम करते हैं, ना कि बड़े लोग छोटे को। यहां पर स्वर्गदूत मनुष्य से बड़ा था, फिर भी जो माता मरियम को आके प्रणाम करता है। यदि स्वर्गदूत माता मरियम को प्रणाम करता है तो हम सबों को भी माता मरियम को प्रणाम करने की आवश्यकता है। स्वर्गदूत ने देखा कि माता मरियम के साथ ईश्वर है, इसलिए वो कहता है ईश्वर आपके साथ है। हर एक इंसान के साथ ईश्वर होने की आवश्यकता है, पर जब हम पाप करते हैं ईश्वर हमसे दूर जाता है। इसलिए हमें हमारे जीवन में निष्पाप रहने की जरूरत है। हम लोग माता मरियम को कहते हैं निष्कलंक माता, यानी उसके अंदर कोई कलंक नहीं था। इसलिए स्वर्गदूत माता मरियम को कहता है ईश्वर आपके साथ है। हम लूकस के उसी अध्याय 1 पद संख्या 29 से पढ़ेंगे, वहां पर हम लोग देखते हैं कि माता मरियम जो है एलिजाबेथ की सेवा करने के लिए जाती है। और माता मरियम को जो स्वर्गदूत ने बताया था उसकी कुटुंबिनी एलिजाबेथ दो बांझ थी, वो गर्भवती है। तो माता मरियम का हृदय देखिए, उसको जो है कि प्रभु की मां बनने का सौभाग्य मिला है, फिर भी वो सेवा करने जाती है। आओगे वो एलिजाबेथ के घर पहुंचती है, और जैसे ही एलिजाबेथ के घर पहुंचती है, एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाती है। और एलिजाबेथ कहता है धन्य है आप सभी नारियों में और धन्य है आपके गर्भ का फल। हम देखते हैं कि एलिजाबेथ को तो मालूम नहीं था कि माता मरियम जो है पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई है। आओगे माता मरियम जो है प्रभु यीशु की मां बनने वाली है, ये बात एलिजाबेथ को मालूम नहीं था। फिर भी एलिजाबेथ कैसे कहती है, क्योंकि एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाती है। जब एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाती है, ये एलिजाबेथ नहीं पवित्र आत्मा बोलता है। पवित्र आत्मा एलिजाबेथ से होकर बोलता है कि धन्य है आप नारियों में और धन्य है आपके गर्भ का फल यीशु। देखिए कि पवित्र आत्मा भी
माता मरियम को धन्य कहता है। यदि पवित्र आत्मा जो माता मरियम को धन्य कहता है, यदि कोई व्यक्ति माता मरियम का अनादर करता है वो पवित्र आत्मा का विरोधी है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों ध्यान से सुनिए कि यदि कोई माता मरियम का विरोध करता है वो पवित्र आत्मा का विरोधी है, क्योंकि पवित्र आत्मा कहती है कि माता मरियम धन्य है। इसलिए हम सबों को माता मरियम को धन्य कहने की आवश्यकता है और माता मरियम को आदर देने की आवश्यकता है। अब हम लोग योहन के सुसमाचार अध्याय 19 में पढ़ते हैं कि जब प्रभु येसु को कलवारी पहाड़ पर क्रूस पर चढ़ाया गया था, उस वक्त प्रभु येसु कहता है योहन से, देखो ये तेरी माँ है, और माता मरियम से कहता है ये तेरा बेटा है। प्रभु येसु जो माता मरियम से कहता है, जो प्रभु येसु का शिष्य था, वो तेरा बेटा है। दीदी योहन प्रभु येसु का शिष्य माता मरियम का बेटा बन गया। तो हम में से अनेक व्यक्ति जो प्रभु येसु के शिष्य हैं, माता मरियम के बेटे बेटियां हैं। एक दिन मेरे पास एक भाई आया और कहने लगा, पादर जी आप जानते हैं कल के पेपर में क्या आया था? मैंने पूछा क्या आया? उसने कहा कल के पेपर में यह लिखा हुआ था, माता मरियम का केवल येसु अकेला बेटा नहीं था बल्कि उसके अनेक बेटे बेटियां थी। मैंने कहा सच लिखा है, क्योंकि उन्हें कहा मैं भी माता मरियम का एक बेटा हूं। क्योंकि जो भी प्रभु येसु के शिष्य हैं वे सभी माता मरियम के बेटे बेटियां हैं, क्योंकि प्रभु येसु ने क्रूस पर से कहा ये तेरा बेटा है। और इसलिए जो भी प्रभु येसु का शिष्य बन जाता है वो माता मरियम के बेटे बेटियां बन रहते हैं। और इसलिए हम सभी माता मरियम को माँ कहकर पुकारते हैं। और माता मरियम हम सबों की माँ है, और वो हम सबों की ख्याल करती है, और हम सबों के लिए एक आदर्श है, और हम सबों के लिए मॉडल है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों कि एक माँ इस दुनिया में की सबसे प्यारी होती है, हर एक बच्चे के लिए कि माँ प्यारी होती है, ना कि बाप उतना प्यारा होता है, कि हर एक बच्चा अपने माँ से बहुत प्यार करता है। कुछ सालों के पहले मैं एक दिन एक अखबार में एक घटना पढ़ रहा था। बिहार के साइड में एक औरत अपने बच्चे को पीठ में बांध कर लकड़ी बीनने के लिए जंगल जाती है। गर्मियों के दिन था, आग उस जंगल में आग लग गई। जब इस औरत ने देखा कि जंगल में आग लग गई, आग वो बच्चे को तुरंत पकड़कर घर जाने के लिए कोशिश कर रही थी। जिस दिशा में वो जा रही थी उस दिशा से आग जल के आ रहा था और कोई रास्ता नहीं था। ऐसे समय पर वो माँ सोचती है अभी क्या करें, मैं तो मर जाऊंगी, मेरा बच्चा कैसा बचेगा, इसके बारे में वो सोचती है। अब वो क्या करती है, एक छोटा सा गड्ढा खोदती है, मिट्टी को निकालती है और वहां पर उस बच्चे को रखती है। और जैसे ही आग आ जाती है माँ उसके ऊपर लेट जाती है, आग माँ को तो जला देती है। ये खबर गांव में पहुंच गई और गांव वालों ने सोचा ये महिला जो है जंगल में गई थी, कहाँ है? और पूरे जंगल में वो चांद पीन करते हैं। उस समय एक जगह पर वो एक लाश देखते हैं और उस लाश के पास आते हैं। और माँ को तो देखते हैं बच्चा दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए जब उन लोगों ने लाश पलटी तो देखा बच्चा नीचे सुरक्षित था। देख लीजिए एक माँ का हृदय, माँ जो है अपने बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान तक देती है। और प्रभु येसु को माता मरियम ने जन्म दिया था
आज हम सबों की मुक्ति के लिए माता मरियम अपने बेटे को अर्पित करती है। वो क्रूस के नीचे खड़े हो जाती है और पिता परमेश्वर को चढ़ाती है ताकि आपको और मुझको मुक्ति मिल जाए। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों कि हम सबों को माता मरियम के प्रति आदर सम्मान होना चाहिए और जैसे कि हमारे हर परिवारों में कि हमेशा माला विनती होती है और हमेशा हमें माला विनती करने की आवश्यकता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों मत्ती का सुसमाचार अध्याय 1 उसके पद संख्या 25 में हम लोग पढ़ते हैं और अनेक बार लोगों के अंदर ये सवाल उत्पन्न करता है। वहां पर लिखा है यूसुफ का उससे तब तक संसर्ग नहीं हुआ जब तक उसने पुत्र प्रसव नहीं किया और यूसुफ ने उसका नाम ईसा रखा। जब मत्ती ने यह बात लिखी लोग इसको पढ़ते हैं इसका मतलब यह है कि यूसुफ का माता मरियम के साथ तब तक संसर्ग नहीं हुआ जब तक प्रभु यीशु का जन्म नहीं हुआ, उसके बाद उसके साथ संसर्ग हुआ और उसके बाद उनको संतानें भी हुई, ये बात लोग कहते हैं। पर ये बात लिखने की एक स्टाइल है, जब तक तब तक। यदि मैं कहीं आश्रम से बाहर जाऊं और कोई मुझसे पूछे कि फादर जी आश्रम में सभी लोग कैसे हैं, तो मैं कहूंगा जब तक मैं वहां था तब तक सभी लोग सही थे। इसका मतलब क्या है? मैं आश्रम से बाहर आने के बाद सभी बीमार हो गए? ऐसी बात नहीं होती है। ये लिखने की स्टाइल होती है, किसी बात पर जोर देना है तो उस समय जब तक और तब तक शब्द लिखे जाते हैं। और संत मत्ती जो इस बात को हम लोगों को अच्छी तरह से बताना चाहता है कि माता मरियम का यूसुफ के साथ संसर्ग नहीं हुआ उस समय भी और उसके बाद भी। माता मरियम हमेशा ये कुंवारी रही, इस बात को हम लोगों को समझने की जरूरत है। ये कुंवारी के द्वारा प्रभु यीशु का जन्म हुआ और एक कुंवारी बनकर माता मरियम रही, इस बात का सबूत हमें मिलता है। तो हम लोग गलत प्रेमियों पर कान ना दें, हम प्रभु के वचन पर विश्वास करें। हम लोग लूकस के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 21 से आगे पढ़ेंगे। वहां पर हम देखते हैं एक बार माता मरियम और उनके चचेरे भाई बहने उनसे मिलने आते हैं और कुछ लोग यीशु के पास जाके कहते हैं देखो तुम्हारे भाई बहन तुमसे मिलने आए हैं। और उस समय जो है कि प्रभु यीशु कहता है कौन है मेरी माँ, कौन है मेरे भाई और बहन? जो ईश्वर के वचन सुनते हैं वही मेरे भाई और मेरे बहन, ये बात जो है प्रभु कहता है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु ने माता मरियम का अनादर किया। माता मरियम का प्रभु ने अनादर नहीं किया, बल्कि उन्होंने और भी बल देकर कहा कौन है मेरी माँ? मेरी माँ वो है, उस बात को सुनकर उसने प्रभु से कहा मैं प्रभु की दासी हूं, तेरा कथन मुझ में पूरा हो जाए। माता मरियम ने ईश्वर का वचन सुना, ग्रहण किया, उसको पालन किया, उस पर विश्वास किया, जिसके कारण प्रभु का जन्म हुआ। इसलिए प्रभु यीशु इस बात पर जोर देता है कि माता मरियम ने ईश्वर के वचन का पालन किया है। तो इसलिए वो कहता है कौन है मेरी माँ, कौन है मेरे भाई? मेरी माँ और मेरे भाई वही हैं जो ईश्वर के वचन को सुनते हैं और उसका पालन करते हैं। इस बात को हमें समझने की जरूरत है। अनेक बार वचन तो हम लोग पढ़ते हैं पर वचन हमें समझ में नहीं आता है और इसलिए हम लोग उसको गलत इंटरप्रिटेशन देते हैं और लोगों को गलत बातें समझाने के लिए कोशिश करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों हम लोग प्रभु के वचन को सही रीति से जानने की कोशिश करें। लूकस का सुसमाचार
अध्याय 11 पद संख्या 27 से पढ़ें। वहां पर लिखा है, ईसा ये बातें कही रहे थे कि भीड़ में से कोई स्त्री उन्हें संबोधित करते हुए ऊंचे स्वर से बोल उठी, धन्य है वह गर्भ जिसने आपको धारण किया और धन्य है वे स्नान जिनका उसने पान किया। परंतु ईसा ने कहा, ठीक है, किंतु वे अधिक धन्य हैं जो ईश्वर का वचन सुनते हैं और पालन करते हैं। फिर से प्रभु हम लोगों को बताता है कि हमें प्रभु का वचन सुनना और पालन करना है, तभी हम धन्य बन जाते हैं। और माता मरियम ने जो है प्रभु का वचन सुना और उसका पालन किया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम माता मरियम के बारे में बहुत सारी बातें पढ़ते हैं, बाइबल में बहुत ही कम बातें लिखी हैं, पर वो कम बातें हमारे लिए बहुत हैं। हम यूहन्न के सुसमाचार अध्याय 2 में पढ़ते हैं, माता मरियम एक काना शहर में शादी में जाती है और प्रभु यीशु और उनके शिष्य भी वहां पर पहुंचते हैं और उस शादी में दाखरस कम पड़ता है और माता मरियम अंदर जाके देखती है और माता मरियम को तरस आता है उस परिवार के प्रति और तुरंत वो अपने बेटे के पास जाती है और कहती है, बेटा देख दाखरस कम पड़ा है और कुछ करो। क्योंकि माता मरियम जानती थी उसका बेटा कौन है, उसका बेटा इस दुनिया में कैसा आया है, उसका बेटा चमत्कार कर सकता है, ये सारी बातें माता मरियम जानती थी। और इसलिए कि माता मरियम ने उसके बेटे से कहा, पर प्रभु यीशु ने कहा मेरा समय नहीं आया है। क्योंकि प्रभु जानता है कि यदि प्रभु यीशु चमत्कार करने लगेगा तो उनका विरोध हो जाएगा और उनको जल्दी ही क्रूस में चढ़ाया जाएगा। तो इसलिए प्रभु यीशु कहता है मेरा समय अभी नहीं आया है, जब समय आएगा तब मैं चमत्कार करूंगा। पर जबकि माता मरियम बताती है, उसकी माँ बताती है कि प्रभु यीशु इनकार नहीं कर सकता है और इसलिए समय नहीं आया, तब भी जो है कि प्रभु यीशु वहां चमत्कार करता है। माता मरियम जाके प्रभु के शिष्यों से कहती है, देखो वो जो कहता है वही करना। क्योंकि माता मरियम जानती थी कि प्रभु यीशु जरूर चमत्कार करेगा और प्रभु यीशु शिष्यों से कहता है, देखो वहां पर मड़के हैं, उस मड़कों में पानी भर दो और वे लबालब भर देते हैं और पानी को निकाल कर वो दे देते हैं। तो देखा पानी दाखरस में बदल गया और प्रभु एक चमत्कार करते हुए वहां खुशियां लौटा देता है। ये माता मरियम के निवेदन पर अनेक बार हमारे घरों में, हमारे परिवारों में भी अनेक सारी समस्याएं आती हैं, दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, बीमारियां आती हैं। तो समाधान क्या है? समाधान हम लोग माँ के पास जाएं। आप जानते हैं सभी बच्चे कि जब उनको कोई चीज जरूरत है वो तुरंत पापा के पास नहीं जाते हैं, वो हमेशा जो है माँ के पास जाते हैं। क्योंकि उनको मालूम है कि जब हम माँ के पास जाएंगे तो माँ जरूर जो है कि पापा से बता देगा और हमारा काम पूरा हो जाएगा। उसी तरह से कि हम जब जो है माता से बताएंगे और माता प्रभु यीशु अपने बेटे से बता देगा और हमारे घर में चमत्कार हो जाएगा। एक बार कि एक व्यक्ति मुझे बता रहा था कि हमें मध्यस्थता की क्या जरूरत है, और हम लोग तो सीधा प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं, हमें माता मरियम से क्यों प्रार्थना करने की जरूरत है, मध्यस्थ लेकर क्यों प्रार्थना करना चाहिए। तो मैंने उस भाई को कहा कि देखो भाई, वो एक प्रचारक था, मैंने उस भाई से कहा, देखो भाई यदि हमें मध्यस्थता की जरूरत नहीं है तो आपकी और मेरी जरूरत क्या है? सभी लोग सीधा प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु का वचन सुनाने के लिए और प्रभु के पास जाने के लिए हमें मध्यस्थता की जरूरत है। यदि आप छत में चढ़ना चाहते हैं आपको सीढ़ी की जरूरत है। उसी तरह से माता मरियम हम लोगों के बीच में और प्रभु यीशु के बीच में एक मध्यस्थ है। इस बात को हमें समझाने की जरूरत है। जैसे ही मैंने उस भाई से कहा कि यदि मध्यस्थता की जरूरत नहीं है, आपकी भी मेरी भी जरूरत नहीं है, वो शांत हो गया। उसको समझ में आया
कि हमें हर एक व्यक्ति को मध्यस्थता की जरूरत है। हम लोग प्रेरित चरित्र अध्याय एक में पढ़ते हैं कि पेंतेकोस्त के समय क्या हुआ, कि पेंतेकोस्त के पहले कि सभी शिष्य लोग जो है उदास थे, निराश थे प्रभु येसु के मृत्यु के कारण, और माता मरियम ने उनको प्रेरित किया, क्योंकि माता मरियम प्रभु येसु के मिशन को जानती थी। स्वर्गदूत ने जो माता मरियम को बताया था, स्वर्गदूत ने माता मरियम को ये बात बताई थी कि ये महान होगा। स्वर्गदूत ने माता मरियम को बताया था कि ये दुनिया का मुक्तिदाता होगा। और ये बात माता मरियम सारी बातें जानती थी, और माता मरियम ने सारी बातें अपने हृदय में संजोए रखी थी। शिष्यों ने तो केवल चमत्कार देखे, कुछ शिक्षा देखे सुनी, पर उन लोगों को जो ईश्वर की इच्छा वो नहीं जानते थे, माता मरियम जानती थी। इसलिए माता मरियम की मिशन को जानती थी, और इसलिए कि माता मरियम ने सारे शिष्यों को इकट्ठा किया, उनको प्रेरित किया, और प्रेरित करने के बाद उनको प्रार्थना करने के लिए उन्हें प्रेरित किया। वे सभी लोग एक साथ बैठकर प्रार्थना करने लगे, और उनके बीच में पेंतेकोस्त हुआ। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे मुक्तिदायी योजना में माता मरियम का एक महान स्थान है, इस स्थान को हम ना भूलें। माता मरियम को हम आदर करें, सम्मान करें। कभी कभी लोग कैथोलिक कलीसिया में माता मरियम के खिलाफ बोलते हैं, पर हम सबों को जानने की आवश्यकता है कि माता मरियम भी उस मुक्ति योजना में महान स्थान लेती है। इसलिए हम सभी लोग माता मरियम का अनादर ना करें, हम बहकावे में ना आए, क्योंकि शैतान अनेक बार लोगों को बहकाता है, क्योंकि माता मरियम अनेक लोगों को अनेक जगह पर दर्शन देता है, और पापियों के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करता है। और इसलिए शैतान को मालूम है कि माता मरियम जो शैतान की योजनाओं में बाधा डालती है, पापियों के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करती है, जिससे शैतान का राज नाश हो जाएगा। और माता मरियम ने जो है शैतान का सिर कुचल दिया था, इसलिए शैतान नहीं चाहता है कि माता मरियम का आदर और सम्मान हो। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं आज आप सबों को बताना चाहता हूं कि आप सभी लोग विशेष रीति से माता मरियम का आदर करें और माता मरियम का सम्मान करें, ताकि सच में माता मरियम हमारी मध्यस्थ बन जाएं, और माता मरियम के द्वारा हम प्रभु येसु के पास पहुंचें, और उस स्वर्ग को हम लोग हासिल करें। इसलिए आइए बड़े भक्ति भाव से हम लोग हाथ जोड़ें, और उसी प्रार्थना को दोहराएं जो स्वर्गदूत ने सिखाई थी और कही थी। प्रणाम मैया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु। ये संत मरिया परमेश्वर की माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर। ऐसे इस तरह से हम निरंतर माता मरियम से प्रार्थना करते रहें कि माता मरियम हमें निरंतर प्रभु की ओर ले जाएं और आशीष प्रदान करें। यही प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु येसु के नाम में, आमीन। अनुग्रह तेरा।